हमारा आज का जर्नी झुंझुनू से शुरू होकर बीकानेर पर एंड होता है, जो है अप्रॉक्स 219 किलोमीटर। और 4 घंटे के जर्नी के बाद तो रूम में घुसने का अलग ही मजा है। आ हा 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 हा। चलो दिखाते कैसे होटल है, मैंने तो देखा ही नहीं है। हिट उनको। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। रोलन शॉरिंग। वाह छोटू कैसा है। ये क्या कर रहा है? बड़ा सोफा और तू कहीं यहीं से कमरे में बैठने के लिए। ये मेरा सोफा है। अच्छा तुम्हारा सोफा है। बीकानेर एक बहुत ही सुंदर सिटी है और इसका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये जूनागढ़ फोर्ट। इस इतने सुंदर और बड़े फोर्ट को बनने में ऑलमोस्ट 350 साल लगे और ये पूरा फोर्ट 16 राजाओं के द्वारा बनाया गया है। ये इतना बड़ा और इतना सुंदर है, इसे देखकर तो आप चौंक ही जाओगे। और हाँ, घूमते घूमते ये भी जरूरी है कि हम लोग थोड़ा बीच में खुद को भी निहार ले। और अगर गलती से हम तीनों भाई बहन मिल जाए तो एक फोटो तो बनती है। फ्रेंड्स ये जो नीचे एरोस बना है ना, ये इसलिए है ताकि जो घोड़े ऊपर चढ़ रहे हैं वो चढ़ते टाइम नीचे ना गिर जाए। यहाँ पे रानियां होली खेला करती थी। और पता है यहाँ पे मूवीज जैसे मणिकर्णिका, द्रोणा, एकलव्य और लैला मजनू की शूटिंग भी हुई है। इस खास पेंटिंग को ऐसे रखने के लिए इसके ऊपर सोने की परत लगाई गई है। देखो इसको यहाँ पे इसलिए ढका है क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे स्क्रैच कर दिया। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको पूरा ढक दिया। और ये ना कबूतर के लिए लगा हुआ है ताकि कबूतर है ना अंदर ना घुस पाए। यहाँ के राजा की ना 19 रानियां थी और उन्होंने अपने हर रानी के लिए एक एक कमरा बनाया था। ये जो मैट है ना, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये जेल की कैदियों ने बनाया था और ये कैमल वूल से बना है। ये जो यहाँ पे जो सीट है ना, ये मेरे लिए बनाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। राजा को खुश करने के लिए इस पे नृत्य पेश किया जाता था। इन सबसे हाथी, भालू इन सब का शिकार होता था। इतने बड़े लोग पकड़ते कैसे थे। और ये इतना बड़ा बंदूक है, इसे हाथ के ऊपर रख के फिर फायर करते थे। और देखो पुराने जमाने का टेलीफोन। और ये जो अजीब सा स्पून है ना, ये इसलिए है ताकि जब राजा महाराजा सूप पीते थे उनके मूछे अपने आप इससे ऊपर हो जाती थी क्योंकि उनकी मूछे तो बहुत लंबी थी ना। इस खूबसूरत यात्रा के बाद हम बीकानेर से आगे चल पड़े। फ्रेंड्स हमारी संस्कृति हमारी शान है, इसकी गूंज खाली हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया से पर्यटक इन्हें देखने आते हैं और इनकी कदर करते हैं। और एक हम ही है जिन्हें खुद की संस्कृति की कदर नहीं है। ऐसे थोड़ा गैर जिम्मेदार पर्यटक की वजह से हमारी संस्कृति को हमसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे उस खूबसूरत सोने के पिलर को कांच से ढका गया है और इस आलीशान दरवाजे को सलाखों के पीछे रखा है। और देखो इस दीवार को, क्या कुछ नहीं लिखा गया है इसमें। आखिर हम ऐसा करते क्यों है? अगली बार जब आप ऐसी जगह पे घूमने जाओ तो शांत से इन जगह को देखो, ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे आगे जाके हमारा ही सर झुक जाए। पता है हम अब ऐसे मंदिर में जाए जिसमें 1000s of चूहे होते हैं और उनका झूठा प्रसाद हम लोग खाते हैं। मुझे पता नहीं ये क्या है, बट चलो अंदर जाके देखते हैं। इसके लिए जूता भी खोलना पड़ता है क्या? मुझे तो लग रहा है डर कि हाथों के नीचे चूहा आ जाएगा।
मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। मंदिर के बाहर ये पत्थर की कारीगरी देखो। फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा डे खत्म होता है। अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले शहर में। बाय।